बब्बी जड्डा प्रधान चड्ढा बरादरी सारे बाबा जी के श्रद्धालुओं मोहरे बेनती करता कि अज जिला प्रशासन डी सी वरिंदर शर्मा जी ने डी सी साहब ने और पीपी साहब प्रवीण सिन्हा जी ने अज सानू बहुत आश्वासन दिता है कि मेला अगे तो भी वधिया सुचारू ढंग नाल चलेगा और कुछ असी मंगा रखिया जिहड़ियां पिछे कमियां रहियां सीगियां उन्होंने हुण ही साडे नाल राउंड करके सारा उन्हों हुण ही आर्डर दिते है कि अज तो बाद कमियां तुहाडियां दूर कीतियां जाणगियां और असी मंदिर वालों और सिद्ध बाबा सोडा ट्रस्ट वालों असी जे कोई बाहरों आता श्रद्धालु उन्होंने वास्ते श्री दीप तलाब मंदिर के रहन का सहन का प्रबंध किया वा और इस तो अलावा जे किसी भी कोई मुश्किल आती है जो कोई कमी आती है तो वह साढ़े ऑफिस आके साडे वरिंदर चड्ढा जी टीटू जी जो जनरल सैकटरी है उन्होंने कह सकते ज ट्रस्ट के महासचिव जो सुरेंद्र चड्ढा जी है उन्होंने संपर्क करके जोड़े भी कोई शिकायत हो गिला शिकवा हो कोई भी किसी कोई कमी आए उन्होंने दूर कर सकते और अज 1500 मुलाजम जरा उन्होंने प्रशासन ने कहा इतने लगाया जाऊगा मैं बहुत अच्छा समझता क्योंकि इस बार इलैक्शन ड्यूटी और सोडल मेला इकट्ठे आ गए हैं इस करके जिन्ना तो ज़्यादा उन्होंने सानू मुलाजम प्रोवाइड कराने से वो करवाए आ और भी सानू डी सी साहब ने कहा जो कोई कमी पेशी आएगी तो मैं हाजिर आवांगा तो ये अलावा प्रशासन मोहरे असी ये बेनती की थी जोड़े बजुर्ग और विकलांग आने उन्होंने वास्ते एक अलग लाइन लगी गई और जोड़े खेतरी बीजण वाले आते हैं वो पूरी फैमिली नाल अपने आते हैं उन्हों की श्रद्धा ना खराब होना वास्ते भी वो लाइन यूज की जाएगी एक असी पछों भी रस्ता दिता वा जोड़ा कि बाबा सोडल मंदिर सीधा तला च जाता वा मैं सारे मोहरे बेनती कराँगा कि बड़े आराम ना आन बाबा जी की श्रद्धा ना तो श्रद्धा ना जान बाबा जी के घर आके मत्था टेकन क्योंकि इस साल 22 और 23 तारीख होना है उदे लई एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग और जिहड़े मंदिर कमेटी है उन्होंने दे नाल विचार सांझा करन लई आपां अज इत्थे होए सीगे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन म्युनिसिपल कारपोरेशन सारे ऑफिशियल्स आए सीगे और जिहड़े जिहड़े इशूज़ मेले नूं ऑर्गनाइज़ करन दे विच आंदा है उन्हां दे मुद्दयां ते डिस्कस किया गया और सानूं यकीन है कि बहुत ही स्मूथली सुखावां माहौल दे विच और एक सिक्योर माहौल दे विच आपां इह मेले नूं करवाने दे विच कामयाब हो सर जिहड़ी पुलिस है सर किन्नियां टुकड़ियां इस बार मेले च वंडियां जा रहियां टुकड़ियां दे विच नहीं वंडदा जी टोटल करीब करीब 1500 मुलाजम लगनगे इहदे विच तीन शिफ्टां च काम होएगा और दो दिन ते 24/7 काम चलता है बाकी एक दिन पहले तो शुरू हो जाता थर्ड डे थोड़ा जा कट हो जाता रश आज जो प्रशासन वालों श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर के प्रांगण के जी मीटिंग रखी गई थी वो मेले की तैयारियों में लैके रखी गई थी क्योंकि बाबा सोडल जी का मेला पूरे उत्तरी भारत का सब तो वड्डा मेला है और दूरों देश विदेशों के दुनिया इस मेले पर आती है तो मेले से आने वाली जो संगत कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े उस वास्ते प्रशासन पुलिस प्रशासन नगर निगम के नाल मीटिंग रखी गई थी मेला मंदिर कमेटी की सो उन्होंने अपन जो जरूरत थी वो साढ़े प्रशासन ने कीतियां बाकी असी सारिया जो मुश्किलात सानू इतने फेस होंगे सी वो असी अपने MLA बाबा हैंडी जी नाल डिस्कस करके तो उन्होंने साड़ी कमिश्नर साहब नाल मीटिंग कराई थी और जो मेले के पिछली बार कमियां रह गई सी उन्होंने इस बार दुरुस्त किया जाऊगा और मेले की आने वाली जो संगत किसी तरह की मुश्किलात ना पैदा हो और बाबा जी के दर्शन करके वो खुले दर्शन प्राप्त कर सकन कोई तरह की भीड़ ना हो आन जाने वास्ते लोगों को किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पवे जिथे मेरी ड्यूटी होगी जिथे प्रशासन वालों MLA साहब वालों मंदिर कमेटी तो लाई जाऊगी मैं 24 घंटे हाजिर हाँ बाबा जी की सेवा वास्ते सो बाबा सोडल जी का जग प्रसिद्ध जोड़ा मेला हैगा इस बार 22 ते 23 गुरुआत जोड़ा आ रहा है जलंधर विखे और प्रबंधा संबंधी जिन्हिया भी कमेटी ने वॉलंटियर ने उन्होंने नाल पुलिस प्रशासन से सिविल प्रशासन में एक जॉइंट मीटिंग दी गई सारे जोड़े प्रबंध ने उन्होंने लिए वक् वक् विभागों की ड्यूटी लगा दी गई है जिस तरह के पहला ये मेला शांतमई और पूरी शान शौकत वधिया तरीके श्रद्धा नाल मनाया जाता
उस तरह इस बार मनाया जाएगा। जो मुख्य विभाग हैं जिमें कि कारपोरेशन है, सफाई का काम, सड़कों का काम, बिजली का काम, पानी का काम, सारी उन्होंने ड्यूटीज लगा दी गई हैं। पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंट की भी लगा दी गई, पुलिस ने अपना पूरा एलैबोरेट बंदोबस्त किया है। मैं सारी श्रद्धालुओं यकीन दवाना कि इंतजाम पूरे पुख्ता किए जाएंगे और हम आगे आपकी श्रद्धा देंगे। श्री सिद्ध बाबा सोढ़ जी के मेले में।